हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एंड स्विमिंग। सो आज फिर से मैं प्रैक्टिस करूंगी, आज फिर मैं 20 शॉट्स फायर करूंगी। बट आज के जो 20 शॉट्स होंगे, मैं वो ईवो 10 मैनुअल स्पोर्ट्स पिस्टल से करूंगी। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने 20 शॉट्स फायर किए थे, बट वो 20 शॉट्स मैंने पार्नी स्पोर्ट्स पिस्टल से किया था। तो लास्ट में मैंने अपना टारगेट भी आपको दिखाया था, 20 शॉट्स जो मैंने पार्नी से शॉट्स फायर किए थे। सो ये वो टारगेट है जो मैंने पार्नी से 20 शॉट्स फायर किए थे, और आपको बताना था कि 200 में से कितना मेरा स्कोर गया है। आज फिर वो ही सेम प्रोसेस मैं ईवो 10 मैनुअल स्पोर्ट्स पिस्टल से करूँगी। सेम अपने आप को कमांड करूँगी, पहले अपना प्रैक्टिस शॉट, अपनी क्लिक्स वगैरह, अपनी पोजीशन वगैरह, वो सारी चीज़ें सेट करूँगी, फिर टारगेट चेंज करके न्यू फ्रेश टारगेट लगा के फिर उस पर 20 शॉट्स फायर करूँगी, फिर अपने आप को कमांड दूँगी। वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि दोनों स्पोर्ट्स पिस्टल्स में क्या डिफरेंस है, क्या मैंने डिफरेंस पाया है, तो वो वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स वी स्टार्ट। जब भी हम लोग लेन पे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपनी पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन इस तरीके से सेट करते हैं कि जो आपका ब्लैक का एकदम सेंटर है, वो आपका जो हाथ है वो एकदम आपका ब्लैक के सेंटर में होना चाहिए, और जो आपका लेफ्ट वाला हैंड है वो आपका पॉकेट के अंदर हाथ होना चाहिए, लाइक दिस। अगर पोजीशन एकदम परफेक्ट नहीं है तो आगे पीछे आप करके अपनी पोजीशन एकदम परफेक्ट कर सकते हो। खाली हाथ से भी आपको एनालाइज कर सकते हो कि आपकी पोजीशन एकदम सही है या नहीं है, और फिर सेकंड आप अपने वेपन से अपना पोजीशन को सेट कर सकते हो। सबसे पहले जब भी हम अपने वेपन को पकड़ते हैं तो उसकी ग्रिप एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ग्रिप में गैप नहीं होना चाहिए जब आप पकड़ रहे हैं। फर्स्ट मैं अपने एयर मफ्स पहन लेती हूँ ताकि पीछे से कुछ भी आवाज़ आए तो मेरे को डिस्टर्ब ना हो। अब मैंने अपने पिस्टल की जो ग्रिप है वो एकदम परफेक्ट बना लिया। अभी हम लोग पिस्टल के साथ में देखेंगे कि हम लोग एकदम परफेक्ट पोजीशन बना रखा है या नहीं बना रखा है। पोजीशन एकदम परफेक्ट है, ग्रिप एकदम परफेक्ट है। अभी हम 4 या 3 शॉट प्रैक्टिस करेंगे, क्लिक्स एकदम परफेक्ट करके फिर
फिर बाद में हम कार्ड लगाएंगे, 20 शॉट्स फायर करेंगे न्यू फ्रेश कार्ड पे। अभी मैंने प्रैक्टिस शॉट्स में अपनी क्लिक्स एकदम परफेक्ट कर ली है। अभी मैंने न्यू टारगेट लगा हुआ है, अभी इसके ऊपर हम लोग 20 शॉट्स फायर करेंगे और मैं अपने आप को कमांड दूंगी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। फर्स्ट शॉट
upload. Fire. Second shot, load. Fire. अगर हमको एम एकदम परफेक्ट नहीं मिलती है तो हम शॉट को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर हमें एम एकदम परफेक्ट मिलती है तो फर्स्ट पुल को फील करके तो हम सेकंड पुल पे आराम से उसको फायर कर सकते हैं। ट्रिगर को, जो ट्रिगर फिंगर है, ट्रिगर को ज़्यादा तेज खींचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा तेज खींचोगे तो आपका वेपन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा और आपका शॉट खराब भी हो सकता है। तो आपको हमेशा फर्स्ट पुल को फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पुल को जैसे ही आप अपनी एमिंग एरिया पे आ गए हो और जैसे आपका एम एकदम परफेक्ट हो गया, देन आप सेकंड पुल को प्रेस कीजिए और फिर फॉलो थ्रू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फॉलो थ्रू में आपको पता चले कि वेपन के आई किधर की तरफ ज़्यादा मूवमेंट देंगे, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। So third shot, low. Fire. थर्ड शॉट मैंने कैंसिल कर दिया है, एम परफेक्ट नहीं मिल रहा था। Fourth shot, low. Fire. जैसे ही फोर शॉट या कैंसिल को भी हम शॉट में इंक्लूड करते हैं, जैसे ही आपने होल्डिंग या शॉट आपने 5 बार होल्डिंग किया है, तो आप अपने ग्रिप जरूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके जो आपने जो ग्रिप पकड़ी है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट होने लग जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लूज होने लग जाती है। इसीलिए
हर 4 या 5 शॉट्स के बाद में आपको ग्रिप जरूर चेंज कर लेनी चाहिए। इन मैचेस में भी इस चीज का खासकर ध्यान देना चाहिए। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा शूटर्स को कि वो हर शॉट के बाद भी अपनी ग्रिप चेंज कर लेते हैं, या फिर 6 या 7 शॉट के बाद भी अपनी ग्रिप चेंज करते हैं, या फिर जैसे शॉट खराब जाता है तब अपनी ग्रिप चेंज करते हैं। तो सबका अलग अलग टेक्निक्स हैं, सब अपने अपने टेक्निक्स के हिसाब से अपनी जो वेपन की जो ग्रिप है वो चेंज करते हैं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आफ्टर 4 या 5 शॉट्स के बाद में आप अपनी ग्रिप चेंज कीजिए। अगर शॉट खराब जा रहा है तब भी आप अपनी ग्रिप चेंज कर सकते हैं, बट शॉट खराब जाने के बाद में आप ज़्यादातर ये नोटिस कीजिए कि आपका शॉट खराब गया कैसे है। ग्रिप की वजह से ही नहीं, अदरवाइज कुछ और प्रॉब्लम की वजह से भी आपका शॉट खराब जा सकता है। तो आप और चीज़ों पर भी अपना ध्यान दीजिए कि शॉट्स कैसे खराब गया है, और अगर आपका शॉट खराब जाता है तो आप उसको वेपन को रखकर आप 1 या 2 से कप पानी का पी सकते हैं ताकि आप नॉर्मल हो सके, वापस से कंटिन्यू अपना प्रोसेस चालू कर सके। हमेशा फर्स्ट शॉट जब भी आप शॉट डालते हैं तो हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए आपको कि वो फर्स्ट शॉट आपका परफेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट शॉट को हमेशा लास्ट शॉट समझ के आपको खेलना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को 10 ही मारना है। अगर आप एकदम परफेक्ट, आपका यू एंड वेपन का जो यू एंड आई है वो एकदम परफेक्ट होगा, अगर आपने परफेक्ट शॉट चलाया है तो परफेक्ट ही जाएगा शॉट। तो ये मेरा
और साथ में मैं अपना एक हैंड टॉवल भी रखती हूँ ताकि हाथ के अंदर अगर स्वेट आ रहा हो तो उससे हम क्लीन कर सकें, अगर ग्रिप पे भी स्वेट है तो उसको भी क्लीन कर सकें, इसलिए एक एक्स्ट्रा हम लोग हैंड टॉवल रखते हैं। तो 9 शॉट लोड हो गया है, अभी 5। पिस्टल का जो चैम्बर है उसको जब हम लोग पीछे करते हैं तो बहुत आराम से करना चाहिए, क्योंकि चैम्बर जितने भी पिस्टल का चैम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉरी मैं आपको क्या बता रही थी, यस जो पिस्टल का जो चैम्बर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको हम चैम्बर को बहुत स्मूथली पीछे लेके जाना चाहिए और बहुत स्मूथली इसको नीचे डाउन करना चाहिए, लोड करना चाहिए। अगर आप इसको खींचेंगे तो ये टूट भी सकता है, तो इसको बहुत आराम से चैम्बर को बहुत आराम से आपको पीछे लेके देन आप शॉर्ट आपका लोड हो गया तो आप आराम से उसको प्रेस कर सकते हैं नीचे तक। सो यू माय 10 शॉट लोड एंड फायर। Shop load.
मैं शॉट्स के बीच में अपने पास फैक्ट जरूर रखती हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि मैं शॉट्स में क्या मिस्टेक कर रही हूँ और आगे वाले शॉट में मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो उस वजह से मैं अपने पास पैन और डायरी जरूर रखती हूँ। 11 शॉट लोडेड एंड फायर। आपने नोटिस किया होगा मेरे को अभी वीडियो के अंदर कि मैं जैसे शॉट फायर करती हूँ, फॉलो थ्रू करती हूँ, डाउन करती हूँ, तो नेक्स्ट शॉट मैं लोड कर देती हूँ। मैं कई शॉट्स में टारगेट को आगे नहीं लेके आती हूँ। रीजन मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि वो शॉट मेरा 100% मेरा वो एकदम परफेक्ट गया है। जो मेरी आई और यू है वेपन की वो एकदम एमिंग एरिया पे थी और परफेक्ट गया है शॉट, इसलिए मैं टारगेट आगे नहीं लेके आती हूँ। मुझको अपने आप पे कॉन्फिडेंट होता है कि वो शॉट बहुत अच्छा गया है। अगर एक या दो शॉट में मेरे को थोड़ा डाउट होता है कि आई उस तरफ मूवमेंट गई है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ या अप और डाउन की तरफ, तो मैं शॉट को देखती हूँ कि शॉट क्या गया है। सो माई 12th शॉट लोड एंड फायर। हम लोग मैचेस के अंदर भी क्लिक्स दे सकते हैं। जब मैं अभी 20 शॉट्स फायर कर रही हूँ, अगर एक या दो शॉट ऊपर रेगुलर ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग उसमें भी हम लोग क्लिक्स दे के थोड़ा सा नीचे सेट कर सकते हैं, एकदम टारगेट के सेंटर में सेट कर सकते हैं। In short, load, fire. कैंसिल किया, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ब्रीथ को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाई थी मैं, इसलिए शॉट कैंसिल करना पड़ा। कोई नहीं, बट मैं अपने शॉट को परफेक्ट खेलूंगी। फायर। कभी कभी क्या होता है कि हम एक शॉट को अगर कंटिन्यूस 3 या 4 बार कैंसिल कर देते हैं तो उसके बाद में हम लोग फायर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। फिर उसके माइंड में, उस टाइम माइंड में ये आता है कि शॉट क्या लगेगा क्या लगेगा, तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि एक बार कैंसिल होने के बाद में आप अपना टाइम लेकर पूरा एकदम परफेक्ट 100% होने के बाद में आप अप कीजिए, और कोशिश करना चाहिए कि उस शॉट को फिर वापस कैंसिल ना हो,
क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस 2 या 3 बार कैंसिल करेंगे तो वो शॉट खराब जा सकता है, क्योंकि अपना फोकस सिर्फ यही टारगेट पे ही रहेगा, एमिंग एरिया पे नहीं रहेगा, अपनी यू एंड आई पे नहीं रहेगा। हम लोग यही सोचेंगे कि क्या लगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। शॉट लो, फायर, जा रही है क्योंकि मैं यू एंड आई पे ही ज्यादातर फोकस कर रही हूँ और अपनी ब्रीथ के ऊपर ज्यादा होल्ड कर रही हूँ। बट अब मुझको अपना जो प्रीवियस शॉट थे उस पर ध्यान नहीं देना है, मुझको अपने 15th शॉट पे ध्यान देना है। इसी को ही मैं फर्स्ट शॉट समझ के और लास्ट शॉट समझ कर फायर करूंगी। Start. Inspire. थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था इस वाले शॉट में, बट मुझको पता है कि मेरा शॉट एकदम परफेक्ट गया है। हम जब भी शॉट फायर करते हैं तो हमें ब्रीथ को होल्ड करना चाहिए। अगर ब्रीथ को होल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग से आपका ब्रीथ बहुत ज़्यादा होल्ड होगा। तो इसलिए हम लोग जितने भी शूटर्स हैं हम सबको ये बोलते हैं कि आप स्विमिंग भी जरूर कीजिए ताकि आपके ब्रीथ पे आपका कंट्रोल हो सके जब भी आप शॉट फायर करें। 16th शॉट लो, फायर, शॉट लो, लास्ट 3 शॉट्स, उसके बाद में हम कार्ड देखेंगे कि कार्ड कैसा क्या है। इवोटेक मैनुअल पिस्टल से, स्पोर्ट्स पिस्टल से, फायर,
बॉडी मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए शॉट कैंसिल करना पड़ा। सेकेंड मुझको इसमें टारगेट दिखाई दे रहा था, उसमें जो ग्रुपिंग है वो दिखाई दे रही थी, आई पे थोड़ा सा कम फोकस हो गया था इसलिए मैंने शॉट कैंसिल कर दिया था। फायर लास्ट का लोड मीन्स 20 शॉट लोड। फायर सॉरी ट्रिप एकदम परफेक्ट नहीं थी इसलिए बीच में ही मुझे कैंसिल करना पड़ा शॉट। फाइव शॉट्स कंप्लीट। अब हम टारगेट देखेंगे। शॉट्स अच्छे गए हैं। सो पहले मैं अपना प्रैक्टिस के शॉट दिखाऊंगी आपको कि मेरा प्रैक्टिस का शॉट कैसा गया है, फिर हम अपना 20 शॉट्स आपको दिखाएंगे। ये मेरे प्रैक्टिस के शॉट्स थे। क्लिक्स देने के बाद में फिर एकदम परफेक्ट हो गया था दिस वन। अब मैं अपना एवो 10 मैनुअल से जो मैंने 20 शॉट्स फायर किए अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 200 में से क्या स्कोर गया है।
सो ये मेरा ईवो 10 मैनुअल स्पोर्ट्स पिस्टल्स शॉट्स हैं, जिसमें एक भी 8 नहीं, सब 9 और 10 लगे हैं, ज़्यादातर 10 लगे हैं। और ये है हमारा पार्टनर से शॉट्स, जो प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको कार्ड दिखाया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि दोनों स्पोर्ट्स पिस्टल से क्या डिफरेंस है, मतलब मेरे शॉट्स पार्टनर स्पोर्ट्स पिस्टल से ऐसे गए हैं और ईवो 10 स्पोर्ट्स पिस्टल से इस तरीके से गए हैं। यस, अभी फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ एवो 10 मैनुअल स्पोर्ट्स पिस्टल से, जो मैंने अभी 20 शॉट चलाए थे। मैंने अपना एकदम परफेक्ट यू एंड आई पे ही ज़्यादातर फोकस किया था और अपनी ब्रीथ को एकदम होल्ड करके रखा था, अपनी बॉडी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होने दी थी और फॉलो थ्रू हर शॉट में किया था। एक या दो शॉट्स में थोड़ा कम हुआ था तो उस वजह से शॉट थोड़ा सा 9 या 2 शॉट ऐसे थे जो 9 और 8 भी जा सकता था, तो उसमें मैंने फॉलो थ्रू पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। सेकंड, उसका रीज़न ये भी हो सकता था मैंने अपना टारगेट पे ज़्यादा फोकस किया था और मतलब जो मेरी ग्रुपिंग बन रही थी प्रीवियस शॉट्स की, जो ग्रुपिंग ये दिख रही है आपको जो 10 और 9 का ज़्यादातर जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान चला गया था, तो उस वजह से 2 शॉट ऐसे हैं इसमें जो 9 की लाइन पे ज़्यादा है तो वो 8 भी जा सकता था। मेरा जो रिदम था वो एकदम परफेक्ट था, तब भी शॉट वो 9 गए हैं दोनों। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ईवो 10 मैनुअल पिस्टल और पार्टनर पिस्टल से मेरे शॉट मतलब इतना डिफरेंस कैसे है। क्या है, जो पार्टनर स्पोर्ट्स पिस्टल है उसकी जो ग्रिप है वो लार्ज है और जो ईवो 10 मैनुअल पिस्टल है जो मेरी है, जो मैं मैचेस में यूज़ करती हूँ, तो उसकी जो ग्रिप है वो मेरे हाथ की ही ग्रिप है, मतलब स्मॉल साइज उसकी ग्रिप की जो साइज़ है वो स्मॉल है। और जो ईवो 10 मैनुअल पिस्टल है वो अभी रिसेंटली 2018 की है और जो पार्टनर पिस्टल है वो मैंने जब रेंज ओपन किया था यहाँ पे तो बच्चों के लिए मैंने वो सेकंड हैंड वेपन लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो उस वजह से भी मेरे जो अपने पार्टनर स्पोर्ट्स पिस्टल से जो शॉट गए थे वो उस वजह से भी जा सकते हैं, क्योंकि ग्रिप बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसकी जो क्लिक्स हैं वो भी मतलब थोड़ा सा लूज़ हो गई है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मतलब, क्योंकि जितने भी और शूटर्स हैं वो ज़्यादातर पार्टनर ही वेपन यूज़ करते हैं। मैं ईवो 10 जो मैनुअल पिस्टल जो मेरी खुद की पिस्टल है वह मैं उन स्टूडेंट्स को देती हूँ, उन शूटर्स को देती हूँ जिनको प्रॉपर शूटिंग आ गया है, जिनका प्रॉपर स्कोर बन गया है पार्टनर से, जो स्कोर उनका है 200 में से, जैसे उनका स्कोर है 150 या 160, तो उसके बाद में मैं अपनी वेपन देती हूँ उनको ताकि वो और ज़्यादा अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके, तो उस वजह से ये डिफरेंस है दोनों शॉट्स में। इसी मतलब पुराना वेपन जो पार्टनर है और जो नया वेपन है ईवो 10, उसमें भी ये डिफरेंस बोल सकते हैं हम, इस उस वजह से भी ये शॉट्स ऐसे जा सकते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस दोनों वेपन को लेके बहुत अच्छा है। हमको ज़्यादातर ये भी नहीं नोटिस करना चाहिए कि आपका पुराना वेपन है तो आपके शॉट ऐसे गए हैं, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि वेपन आपका नया है, आपका खुद का वेपन है तो उससे शॉट्स बहुत अच्छे जाते हैं, और एक ऐसा वेपन है जिसे सारे शूटर्स यूज़ कर रहे हैं, रेंज के जितने भी शूटर्स हैं वो सारे यूज़ कर रहे हैं, सबके क्लिक्स अपने अपने हिसाब से होती है, सब अपने अपने हिसाब से क्लिक्स देते हैं, और एक खुद का वेपन होना
और मतलब परफेक्ट आपकी ही क्लिक्स हैं उसमें, और किसी की और कोई उस वेपन को यूज़ नहीं करा, सिर्फ आपकी ही क्लिक्स हैं, तो उसमें शॉट्स का इंक्रीज होना, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए मैं ज़्यादातर यही रिकमेंड करती हूँ कि अपना खुद का वेपन हो तो स्कोर में बहुत डिफरेंस आता है। आप ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस किया है। स्टार्टिंग में जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था तब मैं भी स्पोर्ट जो रेंज थी मेरी, तो मैं भी उसी रेंज की स्पोर्ट्स पिस्टल से ही मैं प्रैक्टिस करती थी, तो उससे मेरा एक एवरेज स्कोर आ गया था। मेरा 400 में से मेरा एवरेज स्कोर आ गया था। बट उसके बाद में जैसे ही मैंने स्टेट खेला, फर्स्ट स्टेट में ही मेरा मेडल आ गया था। उस टाइम स्कोर थोड़ा सा कम था, जो मेडल्स के थे उनका स्कोर थोड़े कम चल रहे थे। आज के स्कोर्स तो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। देन स्टेट्स में मेरा मेडल, फिर प्री नेशनल्स में, फर्स्ट प्री नेशनल्स में मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी। उस टाइम में भी मैं रेंज का ही वेपन यूज़ करती थी, तो उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मेरे फादर ने बोला था मुझको कि अगर तू प्री नेशनल्स क्लियर कर लेती है तो मैं नेशनल्स में आपका खुद का वेपन आएगा। तो हमें प्री नेशनल्स को क्वालिफाई करने के लिए 2 या 3 बार चांसेस मिलते हैं, जैसे गन फॉर ग्लोरी हो गया, मावलंकर हो गया। तो इसमें हम अगर एक में हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो दूसरा मैच में हम खेल के उसे क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर नेशनल्स के लिए। तो मैंने पहला प्री नेशनल क्वालिफाई नहीं किया था, मेरा वो गन फॉर ग्लोरी था जो पुणे में हुआ था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। बट मैं सेकेंड जो मेरा प्री नेशनल था उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया था। देन मेरे फादर ने मुझे नेशनल्स से पहले ही मुझको मेरा वेपन मुझे गिफ्ट कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उसके बाद में मेरा स्कोर कंटिन्यूस मतलब इंक्रीज हो रहा था। मैंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करने लग गई थी, मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आने लग गया था। सो ये डिफरेंस होता है कि आप स्पोर्ट्स अपना जो शूटिंग रेंज का जो वेपन है एक सारा सब यूज़ कर रहे हैं, और एक आपका खुद का वेपन जो सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं और घर पे भी आप होल्डिंग कर सकते हैं अपने खुद के वेपन से। तो ये डिफरेंस है। इस वजह से बच्चों के जो सारे बच्चे एक ही वेपन से प्रैक्टिस करते हैं तो शॉट्स कभी-कभी थोड़ा और खराब चला जाता है। तो ये रीज़न है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, अगर आपको मेरे शॉट्स पसंद आए हो, बट कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि मेरा EVO 10 मैनुअल पिस्टल से मेरा 200 में से क्या गया है, और पार्ली से जो मैंने 20 शॉट चलाए थे उससे मेरा स्कोर क्या है। दोनों स्पोर्ट्स पिस्टल से मेरा जो स्कोर्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।